हेलो स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर 6 पढ़ा था। उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और बहुत डिटेल में देखा था। और उसके बाद में 6.1 करी थी, 6.1 हमने स्टार्ट करी थी। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले आपको प्रैक्टिस करके आनी है सारे क्वेश्चन की। तो आपने आई होप कि करी होगी प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन की और समझ में भी आए होंगे, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया था। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो देखो, ये समरूपता के बारे में आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कुछ नया पढ़ने वाले हैं आज। देखो, यदि आप दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब आप समरूप, हम लास्ट क्लास में हमने समरूपता देखी थी, सर्वांग समता और समरूपता दोनों में डिफरेंस देखा था। तो समरूप क्या होते हैं, जिसकी क्राइटेरिया क्या था, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ये दो चीजें कंडीशन फॉलो होनी चाहिए थी। पहली कौन सी, उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरी उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सेम हो। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो देखो, ध्यान दीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज, इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाते हैं। मतलब समान कोणिक त्रिभुज, मतलब उस पहले त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो जाए तो वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। तो एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया। उसने एक महत्वपूर्ण बात बताई थेल्स ने। तो देखो, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। दो समान कोण होते हैं, समान कोणिक त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया, जिससे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, उन्होंने एक प्रमेय दी, तो जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो ये देखो, आज आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स को समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। देखो, इसमें ये एक्टिविटी है, आप ये भी कर सकते हैं, और फिर उसके आगे प्रमेय है, आप वो भी सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन मतलब कॉपी में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो फर्स्ट देखो, आपने कोई बिंदु खींचा एक्स वाई ए, ये एक्स है, ये ए है और ये वाई है। अब उस पर आपने ए एक्स भुजा पर कुछ बिंदु ले लिए, जैसे पी क्यू आर, पी क्यू डी आर बी, ये बिंदु ले लिया, और इस प्रकार अंकित किए कि जैसे ए पी क्यू पी क्यू डी डी आर और आर बी सब बराबर हैं, जैसे एक एक सेंटीमीटर के सब हैं। ये यूज देख लो, मतलब उनकी जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है, बिल्कुल समान लंबाई के हैं। अब बिंदु बी से होती हुई एक रेखा खींचनी है जो भुजा ए वाई को सी पर काटे। अब आपको बी से एक रेखा ऐसी खींचनी है जो सी पर काटे, काट ली, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया मैंने। अब डी से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब डी से मुझे बीसी के समांतर एक रेखा खींचनी है जो ऐसी, तो वो बिंदु ई मान लिया मैंने। अब देखो, अब इसमें आपको एक बहुत अच्छी बातें पता चलने वाली है। देखो, इन रचनाओं से आप देखते हैं कि अब सबसे पहले देखो एडी का है, एडी, ये अब एडी को ध्यान से देखो कितने पॉइंट हो रहे हैं। ए से पी मैंने बोला था वन वन, मान लो आप एक दो और तीन हो गए, तीन पार्ट, तो इसको मैंने बोल दिया तीन। अब आप डीबी को देखो, डीबी यहां से यहां तक कितने पार्ट हो रहे हैं, वन और टू, दो इकाई हो रही है, तीन बटा दो। अब रेशियो क्या आ गया, तीन बटा दो, वेरी गुड। अब आप एई और ईसी मापो, अब देखो एई कहाँ है, और अगर उसी के समांतर मैंने एक्स पे उस पे बिंदु कौन सा था मेरा, डी, तो अब यहां तक यहां पहुंचने में मुझे कितने डिस्टेंस, ये कितने भाग है, एक तरह से तीन भाग है ना अंदर, क्योंकि इधर तीन भाग है, तो उसके समांतर जो आपने रेखा खींची है ना उसके, तो उस पॉइंट पर भी बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी इधर भी AE अपॉन EC वो भी तीन बटा दो ही होगा। ये बात ध्यान रखना, मतलब रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे आपने इधर आपके तीन भाग हो रहे थे और नीचे दो भाग हो रहे थे, तो ऊपर तीन भाग और नीचे दो भाग, ऐसे होगा। तो ये आपको चेक करना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सॉरी डी ई समांतर है बी सी के, और ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी के बराबर है। तो ये एक प्रमेय है। देखो, अब देखो,
प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। बस सेम ये जो अपन ने अभी किया ना, वो का वही क्राइटेरिया है। जैसे कोई एक त्रिभुज ABC है, ये लिया, इसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को D और E पे काटती है, मतलब एक ये रेखा हो गई इस पे काटती है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। सेम वही वाली चीज़ करी हमने। तो इसमें भी हमने दो कोई बिंदु ले लिए, जैसे एक लंब है इस पे और ये भी लंब है, और इधर भी लंब काट दिया और इधर भी लंब काट दिया, तो इस अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। तो इस अब देखो इसमें हमने क्षेत्रफल को लेकर चला है, तो क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू ऊंचाई हमने पढ़ा था ना, एक किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू ऊंचाई, तो इसीलिए मैंने लंब खींचे हैं। तो और जिसको क्षेत्रफल को एरिया भी बोलती हूँ मैं, आपने छोटी क्लास में देखा था AR, ऐसे करके जिस त्रिभुज की बात की जाए वो ADE लिख देंगे ऐसे। तो बस हमने इसको सॉल्व किया, तो AE का ADE का क्षेत्रफल लिख दिया, BDE का क्षेत्रफल लिख दिया, और ADE का क्षेत्रफल हाफ AE अपॉन DM, और DEC का क्षेत्रफल हाफ EC अपॉन DM आधार इंटू ऊंचाई उसमें रख दिया। तो अब देखो, अब ADE और BDE के क्षेत्रफल रख दिए जो जो वैल्यू आ रही है, तो हाफ AD इंटू EN और हाफ DB इंटू EN। अब यहाँ पे EN से EN कट दिया, हाफ से हाफ कट दिया, तो AD अपॉन DB बच गया। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम है, अब यहाँ से DM कट दिया, तो यहाँ कितना बचा AE अपॉन AC। अब एरिया तो दोनों बराबर है, यानी ये दोनों फर्स्ट और सेकंड बराबर होंगे कि नहीं होंगे, दोनों बराबर वैल्यू आ रही है, तो AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन AC के। तो ये ही हमको प्रूव करना था। तो ये आप खुद से कॉपी में करोगे एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चले नेक्स्ट एग्जांपल करें। देखो इसमें भी ये एक्टिविटी है सेम, इसमें भी एक बिंदु लिया है, इस पर बहुत सारे बिंदु लिए हैं, B1, B2, B3, B4, B5, इधर लिए C1, C2, C3, C4, C5, ऐसे करके कुछ बिंदु ले लिए, और हर बिंदु की डिस्टेंस बराबर है। जैसे आप C से C2 पे जाते हो, आप एक ही कहीं मान लो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो 1, 2, 3, 4 ऐसे एक एक ही है ये इनकी डिस्टेंस। तो आपने ये कोई बिंदु अंकित किए, अब A B1, B B2, B2 B3, B3 B4, मतलब इनके बीच बीच की डिस्टेंस सेम एक एक ही है, तो सेम है इनकी डिस्टेंस, तो आपने लिख दिया ऐसे। तो इसी प्रकार AY बिंदु C1 और C2 पर अंकित कीजिए, मतलब सेम इधर वाली लाइन भी हमने लिख ली, C1 C2 C3 C4 बस कर ली। अब देखो, अब इनके रेशियो देखो, A और B1 यानी जो सबसे पहले A था, उसके बाद में है मेरा B1, उसके बाद में B2, तो A और B1 का रेशियो होगा B1 और B2 के, क्योंकि रेशियो समान रहता है। अगर जैसे आपने इन दोनों का रेशियो लिया तो उस नीचे वाले रेशियो के इक्वल होगा, तो बस आपने उसी को लिख दिया के AB1 इक्वल टू B1B। मतलब जैसे आपने ये लिया, ये दोनों समांतर हैं, तो ये इसकी लंबाई और इसका रेशियो अगर मैं देखूं, वो इसकी लंबाई और इसके रेशियो के बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा। तो बस मैंने यही किया है, तो वो किसके बराबर है, AC1 और C1C के बराबर है। तो ये 1/4, क्योंकि ये तो एक इकाई है, लेकिन जो मुझे B1 से B तक जाने में मुझे 4 इकाई पूरी करनी पड़ रही है, तो 1/4 हो गई। तो इसी अकॉर्डिंग मैं दूसरी चीज़ें भी लिख सकती हूँ। अब देखो आप डायग्राम में देखो, A से B2 तक जाने में मुझे कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ा, आप कहोगे 2। A से C2 तक जाने में आप कहोगे 2। B2 से B तक जाने में 3, क्योंकि देखो B2 कहाँ है, ये B2 है मेरा, 1, 2, 3, 3 हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए, तो ये 3, और उसके बाद में C2 से ये भी 3, तो यानी इसीलिए B2 C2 समांतर है B और C के। अब दूसरा आपने लिया, A से B3 तक जाने में 3, B3 से B तक जाने में 2, और यही सेम कंडीशन इधर वाली लाइन की भी आएगी। ये थेल्स यही कहता है कि अगर दो भुजाएं, उसमें से कोई दो भुजाएं आपस में समांतर है, तो उनका रेशियो जो होगा वो भी समांतर होगा, अनुपात समान होगा। इसीलिए देखो इनके अनुपात समान है, 2:2, 2:3 और 3:2। और ये हमने एक और अनुपात लिया AB4 का, उसका देख लो आप कितने कवर हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और B1 और B4 B का उसमें 1 हो रहा है, क्योंकि देखो B1 से B4 देखो ये लास्ट वाला एक ही खंड है, तो ये 1 हो गया। तो बस ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ।
तो इसका रेशियो हो गया 4:1। तो ये थेल्स प्रमेय को सिद्ध करता है, मतलब थेल्स ने यही कहा कि जो इनकी भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहेगा किसी भी। तो अब ये प्रमेय देखो 6.2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमको प्रूव करना है। इसमें भी हमने सेम वही किया, एक त्रिभुज बनाया ABC, ठीक है, उसमें एक बिंदु D लिया, D तो AD का मध्य बिंदु है लेकिन E और E डैश में कन्फ्यूजन है, तो हमने एक बिंदु और मान लिया E डैश, माना कि। तो अब हमने सबसे पहले बोला AD/DB, देखो आपको इसमें रेशियो ही लेने हैं, ये जो प्रश्नावली है ना उसमें सारे रेशियो के काम है। तो AD ये /DB इन दोनों का रेशियो लिया, इधर देखो AE/AE'/EC बराबर हो गए। अब पर ये देखो AE'/EC बराबर है AE/EC, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है, ये एक ही बिंदु है, ये तो हमने माना था, इसीलिए इससे ये प्रूव होता है कि यदि किसी रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, क्योंकि वो दोनों रेशियो समान आ गए तो इसका मतलब वो समांतर है। अब देखो उदाहरण एक, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे तो भुजा BC के समांतर हो, प्रतिच्छेदित करे और भुजा BC के समांतर है, तो हमको सिद्ध करना है कि AD/AB पूरा बराबर है AE/AC के। देखो रेशियो सेम रहता है तो हमको सिर्फ इसको प्रूव करना है। तो अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, DE समांतर है BC के, दोनों आपस में समांतर है, जब समांतर आ गई तो रेशियो सेम होगा। तो अब देखो AD/DB बराबर है किसके, अब इधर साइड में चल जाओ तो आप कहोगे AE/EC के, वेरी गुड, ठीक है। अब आपने इसको अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 2/1/2 है इक्वल टू 1/2, तो इसको आप दोनों तरफ उल्टा कर सकते हो, तो आपने 2/1 = 2/1 ऐसे लिख सकते हो ना। तो बस मैंने भी इसमें इस स्टेप को अपोजिट कर दिया, तो DB ऊपर आ गया, AD नीचे आ गया, इधर EC ऊपर आ गया और AE नीचे आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस ऐसा 1+A ने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास तो इन दोनों का रेशियो था, लेकिन मुझे ये पूरी डिस्टेंस चाहिए क्योंकि प्रूफ में AB और AC पूरे पूरे हैं, तो मुझे AB और AC लाने के लिए मैंने क्या किया, DB + AD + 1 इधर भी किया और +1 इधर भी किया। अब देखो अगर मैंने DB + 1 किया /AD है, तो अगर जैसे किसी भी चीज़ में ये DB + AC + 1 है, अब देखो जब भी अपन प्लस करते हैं तो LCM लेते हैं, अब अगर मैं इसमें भी नीचे 1 है तो अब मैं LCM लेती हूँ, तो यहाँ हो गया AC, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी AC के नीचे था इसलिए यहाँ आ जाएगा DB + 1 है, यानी अपन LCM कैसे लिखते हैं, तो उससे इंटू होगा +AC = अब सेम उस साइड में भी हो गया, तो DB + AC क्या है, अब देखो AD है, ये AC नहीं है, है ना, ये AD है, ठीक है, तो AD है, तो इधर भी AD+ हो जाएगा, तो DB + AD। अब देखो डायग्राम में DB + AD क्या है, ये है DB और ये AD, ये पूरा क्या हो गया, AB हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, तो ऊपर वैल्यू AB आई, ये ऐसे आई, ठीक है, और नीचे AD था ही, सेम ये कंडीशन इसमें भी करी, तो इसमें क्या आएगा EC + AE। अब देखो EC + AE दोनों क्या है, कुल मिला के AC है कि नहीं, यस है, /AE, तो आ गया ना, यही तो हमको चाहिए था, ये AD/AB बराबर है AE/AC के। इसको मैंने उल्टा रिवर्स कर दिया, इक्वेशन को आप उल्टी कर सकते हो, तो बस यही मुझे प्रूव करना था। चलो उदाहरण नंबर 2, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है BC के, असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है, ये इसकी भुजा, अभी तो हमको समलंब दिया है, इसमें ये बताया है कि AB DC के समांतर है, तो अब हमको ये दर्शाना है कि AE ये ED का रेशियो BF और EC के रेशियो के बराबर होगा। अब देखो ये चतुर्भुज है तो इसीलिए, और मुझे तो त्रिभुज का पता था, तो मैं एक आइडिया लगा सकती हूँ, मैं एक ऐसी रेखा खींचूँ कि दो त्रिभुज बन जाए,
तो ये कोई बिंदु जी ले लिया मैंने और एक विकर्ण खींच लिया इसी। अब इससे दो त्रिभुज बन गए। अब दो त्रिभुज बनने का फायदा क्या हुआ देखो, अब ए और सी को मिलाया जो ई एफ को जी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो अब ए बी समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के और ई एफ पूरी समांतर है ए बी के, ये तीनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहले मैंने त्रिभुज ए डी सी लिया, ए डी सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब जब से ये समांतर है तो ये भी समांतर होगी आपस में, तो इनका रेशियो त्रिभुज में हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था ना, तो इसका रेशियो मैं लिख सकती हूँ ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी दोनों का रेशियो लिया, बराबर किसके होगा ए जी अपॉन जी सी के होगा ना, ये वाला जी सी ए जी अपॉन जी सी, यस ये मैंने एक बार समीकरण एक कर दिए। अब सी ए बी लिया त्रिभुज, अब देखो सी ए बी का है ये सी ए बी ये वाला त्रिभुज, इसमें ऊपर वाला और ये नीचे ए बी है, तो इसका रेशियो लूँ मैं तो सी जी अपॉन ए जी बराबर होगा सी एफ अपॉन बी एफ के, ये आ गया। अब देखो आप एक ध्यान से देखो, हाँ अब पहले वाले प्रमेय में ए जी अपॉन जी सी था, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है सी जी अपॉन ए जी उल्टा है, तो अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मैं क्या करूँ कि ये इसके इक्वल हो जाए, इसको उल्टा कर दूँ, यस तो मैंने इस स्टेप में इसको इस वाली स्टेप को मैंने उल्टा कर दिया, ए जी को ऊपर ले लिया जी सी को नीचे। अब एक इक्वेशन उल्टी नहीं होगी, होगी तो दोनों होगी एल एच एस आर एच एस और दोनों इक्वेशन उल्टी होगी, तो ये भी हो गई उल्टी। अब ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वल है कि नहीं, ए जी जी सी इधर भी है ए जी जी सी इधर भी, यानी दोनों बराबर हो गए उनके बटे बचे हुए पार्ट, तो ए सी बटा ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी दोनों बराबर हो गए, ये प्रूव हो गया, यही तो हमको प्रूव करना था क्वेश्चन में, ठीक है समझ में आ रहा है ना। अब हम एग्जाम्पल थ्री देखेंगे, उदाहरण तीन देखो, आकृति 6.16 में पी एस का रेशियो एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के, तथा एंगल पी एस टी कौन कौन सा एंगल इक्वल है देखो, पी एस टी ये एंगल बराबर है पी आर क्यू के, इस एंगल के बराबर है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजाएं समान हो, तो हमको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करेंगे, तभी तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। करो सबसे पहले हमको दिया क्या है, तो पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के, ये हमको दिया हुआ है, तो जब बराबर है रेशियो में इसका मतलब ये दोनों समांतर है, यानी एस टी और क्यू आर समांतर है। अब ये समांतर है तो संगत कोण भी समान होंगे, यानी कोण एस कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि जब दो समान रेखाएं समांतर रेखाएं को एक तीर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, तो कोण एस और कोण क्यू बराबर है। अब साथ यह भी दिया है कि कोण पी एस टी पी एस टी और पी आर टी पी आर क्यू बराबर है, ये हमको गिवन है। अब देखो जब दो चीज़ें सेम हैं पी एस टी पी क्यू आर के भी बराबर है और पी एस टी पी आर क्यू के भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, अतः पी आर क्यू बराबर है एंगल पी क्यू आर के, दोनों कोण बराबर है। अब जब दोनों कोण बराबर हो गए तो उनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी, यानी पी क्यू भुजा बराबर है पी आर के, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूव हो गया, यस। चलो अब हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है ये, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। करें स्टार्ट, देखो आकृति 6.17 में फर्स्ट और थर्ड सेकंड में डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, डी बी सी के समांतर है, फर्स्ट में ई सी और सेकंड में ए डी ज्ञात कीजिए। देखो पहले वाले में तो हमको ई सी निकालना है और सेकंड वाले में हमको ए डी हाँ ये वाला निकालना है, तो करें स्टार्ट। देखो दो चीज़ों का रेशियो दिया, अभी हमने रेशियो वाले पढ़े थे, तो अगर मैं सीधे बात करूँ तो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के, होगा ना क्योंकि रेशियो बराबर होते हैं,
भुजाओं के। तो इसका मतलब अब AD मेरा कितना है 1.5, BD 3 बराबर होगा, AE 1 है, तो EC X मान लेती हूँ। तो यानी अब देखो इनका रेशियो कितना है 1.5, ये काटा तो 1/2 का रेशियो है। अब ये भी मेरा 1/2 का रेशियो आना चाहिए, यानी एक तो ऊपर है, ये नीचे क्या आएगा 2। क्लियर समझ में आ गया, मतलब दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये इसका रेशियो आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू आएगी 2। अब ये देखो ये AD हमको निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC, इसके बराबर है। तो AD मेरा है, एक बार AD मान लेती हूँ, और 7.2, और ये है मेरा 1.8 और 5.4, ये ऐसा कुछ है। तो आप देखो या तो इसको आप काट सकते हो, या फिर इस रेशियो को कट करूँ तो मैं 1/3 आ रहा है, 1/3 का रेशियो आ रहा है। तो अब मुझे इस रेशियो को भी 1/3 में भागना है, बांटना है। तो या तो आप क्रॉस गुणा करके कर सकते हो, जैसे अपन असुम मुझे AD निकालना है तो 7.2 इधर गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट वाले का 2 आंसर है, सेकंड ये सेम, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो कि जैसे आपको सिर्फ AD निकालना है तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 ऐसे करके पॉइंट उड़ाओगे, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 10, ऐसे कट करके करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। देखो एक चीज़ और आपको बताती हूँ, इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा था 1.8 और 5.4, अगर पॉइंट उड़ाऊँ तो ये हो गया 1/3 को रेशियो आ रहा था। क्लियर, अब मुझे इधर भी ऐसा कोई रेशियो आना चाहिए कि 2.4 और नीचे था 7.2 ही था ना, हाँ 7.2। तो अगर अब इसको मैं काटूं तो ये भी मेरा 1/3 का रेशो आना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो सेम मेरा रेशो आ रहा है ना बराबर, क्योंकि अपने थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि जो भुजाओं के जो रेशो है आपस में उनके अनुपात है वो समान रहने चाहिए। तो इसका अनुपात भी, इस वाली भुजा का भी 1/3 और इसका भी 1/3 आ गया। तो यही मुझे प्रूव करना था, तो इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखो अब पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। अब जैसे कोई मेरा एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, इस पर कोई बिंदु है ई और एफ स्थित है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पढ़ने में गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई तो क्वेश्चन गलत। तो अब देखो हाँ, प्रत्येक स्थिति में हमें बताना है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। अब वो तभी होगा जब उनके रेशियो सेम आएंगे, अगर रेशियो सेम आ रहे हैं दोनों भुजाओं के, अगर अनुपात समान आ रहे हैं तो वो समांतर है, और अगर थोड़ा सा भी रेशियो चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, तो यानी वो समांतर नहीं है। तो हम इसी को प्रूव करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट मेरा क्या दिया है, पी 3.9 है, ई क्यू 3 है, ये 3.6 है और ये 2.4 है। अब देखो पी 3.9 है यानी पी, अब देखो कहाँ है ये 3.9, फिर ई क्यू 3, ये 3 है, पी एफ 3.6 और ये है मेरी 2.4। देखो अब इसको काटो आप, मतलब आपका 3.9 डिवाइडेड बाई 3 बराबर होना चाहिए 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इधर वाली LHS वाली भुजा है और RHS वाली भुजा है, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, बट्टा में लिखूं, तो उनका रेशियो बराबर आना चाहिए। तो अगर जैसे इसका रेशियो निकालो तो ये मेरा आ गया 39/30, यानी इसको और काटूँ तो 1/3/30, 13/30 का रेशियो आना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला देख लेती हूँ मैं, ये तो 36/24 है, 12 का भाग दोगे तो 3/2, तो ये तो 13/30 है और इधर है 3/2, तो ये समांतर नहीं है, इसको मैं समांतर नहीं कह सकती, क्योंकि इनको बिल्कुल बराबर रेशियो आना चाहिए दोनों का, कि जैसे ये जो LHS है वो RHS के बराबर आएगा, तब जाके वो समांतर होगा। देखो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, इसमें मेरा पी 4 है, पी क्यू आर और ई एफ इसके मिड पॉइंट है, ठीक है, पी क्यू और आर और ई एफ इसके मिड पॉइंट है, ठीक है, मैंने डायग्राम बना लिया। अब देखो पी इसका 4 है, ठीक है, क्यू ई ये वाला मेरा इसका 4.5 है। अब ये पी एफ मेरा 8 है
और ये है मेरा 9। अब रेशो देखो आप दोनों के, तो हमने क्या किया, 4.4 अपॉन 4.5, इन दोनों के इसका और इसका रेशो निकाल लिया। ठीक है, निकाल दिया मैंने, तो 4 अपॉन 4.5, तो ये पॉइंट उठा 40, तो 8/9 रेशो आ गया। और इस वाले का तो 8 और 9 है, अब आ गया ना, देखो ये भी 8/9 और ये भी 8/9, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये दोनों समांतर भुजा है, नीचे वाले और ऊपर वाले, तो ये प्रूव हो गया। लेकिन ऊपर वाले में इक्वल नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो समांतर नहीं थी। ये चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दोनों वैल्यू इक्वल आएगी उसके बट्टा की, तो ही वो समांतर होगा। तो यही हमको निकालना है। अब देखो एक और एग्जांपल, इसमें हमको देखो बिल्कुल वैल्यू ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें पी क्यू है मेरी, पी क्यू ये पूरी, ये है मेरी 1.25, और पी आर है ये वाली पूरी 2.56, आधी नहीं है पूरी, और पी ई ये है मेरी 0.18, और पी एफ 0.36 है। तो अब इनके रेशो निकालने हैं, तो या तो आप देखो इसको माइनस कर दो, और या फिर आप इसका सीधा भी रेशो लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी आप अगर 0.18 डिवाइडेड बाय पूरी पी क्यू ले लो, पी क्यू कितनी थी 1.28, ऐसे भी आप रेशो निकाल सकते हो। और इधर क्या है, पी एफ 0.36 और इधर है 2.56, ऐसे ऐसे भी आप कट करके रेशो निकाल सकते हो, तो भी बराबर ही आएगा। तो बस मैंने जो अपन जिस टर्म से चल रहे हैं मैंने वो लिया, तो मुझे ई क्यू निकालना था, तो मैंने क्योंकि ये पूरा 1.28 है, तो ये पूरा मेरा 1.28 है, बट ये पी ई मेरा ये इतना सा पार्ट 0.18 है, तो बचा हुआ आप निकाल सकते हो। 1.28 में से 0.18 माइनस किया तो 1.10, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1.10। अब इसी की भी सेम ऐसे ही निकाल सकती हूँ, इसकी है मेरी 0.36 और इसकी आ जाएगी मेरी 2.20, माइनस कर दिया दोनों को, बस मुझे इसके अनुपात निकालने। ऊपर क्या है मेरा 0.18 और यहाँ 1.10, तो 18/110, और अगर मैं काटूंगी तो 9/55 आ गया, 2 से काट दिया। अब नीचे वाला अनुपात देखेंगे, ऊपर था मेरा 0.36 और 220, यानी 36/220 आया। इसको मैंने किसी से भी काट सकते हो आप, जिससे पहले कट रहा है, तो मैंने काटा तो मेरा 9/55 आया, तो 9/55 और 9/55 दोनों इक्वेशन निकल आ गई ना, तो यानी ये समांतर है। बस यही हमको प्रूव करना है, रेशियो इक्वल आती है हम कह सकते हैं कि समांतर है। चलो थर्ड क्वेश्चन, आकृति 6.18 में यदि LM CB के समांतर है, LM CB के समांतर है, कौन सी आकृति, ये वाली LM जो है वो CB इसके समांतर है, और दूसरा LN ये वाली CD के समांतर है। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो अब हमको AM AB के बराबर है, AN AD के ND के, ये हमको प्रूव करना है। देखो प्रूव में क्या गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप इसको दो त्रिभुज मान लो, ऊपर वाला और नीचे वाला, और जब त्रिभुज की प्रमेय हमको पता ही है कि उनका अनुपात बराबर होता है, तो आप इसका अनुपात इसके बराबर और ये अनुपात ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों इसके बीच वाली भुजा के बराबर होंगे, तो आपस में वो दोनों भी बराबर होंगे, तो अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं। करें स्टार्ट, ये मेरा डायग्राम है, इसमें मुझे LM BC के समांतर है, तो सबसे पहले मैंने प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, अनुपातिक प्रमेय, तो उसमें क्या है मेरा AM BC के बराबर है, AM AB के बराबर है, और AL AC के बराबर है। मतलब कौन से त्रिभुज की बात करी मैंने, त्रिभुज AB और C की बात करी है, तो इसमें ये वाली इक्वेशन आ गई। और दूसरा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में LN CN के समांतर है, क्योंकि नीचे वाला देखो समांतर है ना LN CN के, यस, तो बस मैंने AN अपॉन AD, मतलब AN आधा पार्ट और AD पूरा पार्ट, और AL आधा पार्ट और AD पूरा पार्ट, सॉरी AC, तो आप देखो AL अपॉन AC इसमें भी है और AL अपॉन AC इसमें भी है, तो दोनों बराबर है, यानी मैं इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ, यानी AM अपॉन AB बराबर होगा AN अपॉन AD के, हैंस प्रूव। देखो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, और आपको सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये इतने इंटरेस्टिंग है, तो आपको खुद से ट्राई करने हैं सारे, क्योंकि अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो अब आपको खुद से कॉपी में भी करने हैं, फेयर कॉपी में। चलो ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था,
अब फोर्थ देखो, 6.19 में ये वाली आकृति है, 6.19 कर रहे हैं, उसमें DE समांतर है AC के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और DF समांतर है AE के, ओके। हमको ये प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE ये बराबर है BF अपॉन FE, हाँ, और BE पूरा इसका और अपॉन EC, हाँ EC इसके बराबर है, ये हमको रेशियो निकालना है इसमें। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अब सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, उसमें मैंने त्रिभुज लिया ABC, ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब इसमें देखो DE AC के समांतर है, तो मैं इसमें ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अनुपातिक थ्योरम लगा के मैं कह सकती हूँ कि AD अपॉन DA बराबर होगा BE अपॉन EC के, AD अपॉन DA, सॉरी BD अपॉन DA, ये पूरा बराबर होगा किसके, BE अपॉन EC के, क्योंकि ये समांतर है। देन अब त्रिभुज ABC लिया मैंने, इसमें DF समांतर है AE के, DF भी समांतर है, तो इसमें भी मैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकती हूँ, तो BD अपॉन DA बराबर होगा BF अपॉन FE के। अब BD अपॉन DA दोनों बराबर है, इक्वेशन एक और दो, तो दोनों आपस में बराबर रख सकती हूँ, तो बस मैंने यही रखा, तो BE अपॉन EC बराबर है BF अपॉन FE के। मतलब हमको दो त्रिभुज लेके चलना है और हमको दोनों चीज़ें बराबर रखनी, और वो दोनों किसी एक के बराबर हो जाएगी, तो यानी वो तीनों आपस में बराबर हो गई, तो यानी वो फर्स्ट वाली सेकंड के बराबर है और सेकंड वाली थर्ड के बराबर है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड भी तो बराबर हो गई, वो जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, हमने वही वाली थ्योरम है, तो आपस में हमने बराबर प्रूव कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आकृति 6.20 में DE समांतर है ये वाली आकृति, इसमें DE किसके समांतर है, OQ के, ठीक है, और DF समांतर है DF OR के समांतर है। अब हमको ये दर्शाना है कि ये जो EF है वो भी QR के समांतर है, ये हमको दर्शाना है, तो देखो करें स्टार्ट। अब हमको त्रिभुज लेना है POQ ये वाला, इस त्रिभुज में। अब देखो इसमें OQ के समांतर कौन है, ED, ये हमको दिया है, तो DE OQ के समांतर है, तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अनुपातिक प्रमेय से हम क्या करेंगे, PD अपॉन DO बराबर होगा PE अपॉन EQ के। अब दूसरा POR लिया मैंने, इधर वाला, ये वाला, बस, तो अब इसमें क्या होगा, DF और OR आपस में समांतर है, तो ये DF OR समांतर है, तो अनुपातिक प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, PD अपॉन DO और बराबर होगा PF अपॉन FR के। अब देखो PD अपॉन DO इधर भी है और PD अपॉन DO इधर भी है, तो यानी दोनों इक्वेशन को बराबर प्रूव करूं तो मैं कह सकती हूं कि PE अपॉन EQ बराबर होगा PF अपॉन FR के, और यही मुझे प्रूव करना है, जब अनुपात समान आ गए तो यानी EF जो है वो समांतर है QR के, तो ये मैं लिख सकती हूं डायरेक्टली, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स, आकृति 6.21 ये वाली आकृति, इसमें OQ और OR किसके, ए बी और सी पर, इस पर तीन बिंदु हैं, ए बी सी इस प्रकार है कि जो AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के। अब हमको ये दर्शाना है कि BC समांतर है QR के, मतलब दो समांतर तो हमको दे रखे हैं, यानी दो के रेशो तो बराबर है, हमको तीसरी का रेशो निकालना है और तीसरी को समांतर सिद्ध करना है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, अब OPQ ये वाला त्रिभुज, अब इसमें कौन कौन समांतर है, AB PQ के समांतर है ना, बस, तो अब इसका मैं रेशो निकालूंगी, तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी अनुपातिक प्रमेय से, तो OA अपॉन AP ये दोनों का रेशियो OB अपॉन BQ के बराबर होगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने दूसरा
ओ पी आर लिया। देखो जब भी मैं त्रिभुज या किसी का भी नाम लेती हूँ तो आप अपनी बुक में उस पर पॉइंट ऐड कर लो कि मैंने ओ पी आर बोला, तो आप भी साथ में ओ पी आर कौन सा है आपको बुक में देखना है, तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ओ पी आर की बात कर रहे हैं यानी ये वाला सेकंड वाला। तो अब इसमें ए सी जो है वो समांतर है पी आर के, तो सेम मैंने ऐसे ही रेशियो निकाल लिया, तो ओ ए अपॉन ए पी, तो ओ सी अपॉन सी आर। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखो, देखो यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी है, यानी ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के। अब इन दोनों के रेशियो भी बराबर आ गए, लास्ट वाली जो थी ना उसके, इसके रेशियो भी आपस में बराबर आ गए, यानी ये भी आपस में समांतर होगी। और हमको यही सिद्ध करना था कि ये आपस में समांतर है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7th, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब जैसे कोई एक भुजा है उसके मध्य बिंदु से मैंने एक ऐसी रेखा खींची जो इस नीचे वाली रेखा के समांतर है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये इसको भी समद्विभाजित करती है, मतलब सामने वाली भुजा को, ये हमको प्रूव करना है। और याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ये हम कक्षा 9 में कर चुके हैं ये वाली थ्योरम, तो अब आपका रिविज़न हो रहा है। तो अब देखो डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी डी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु हुआ यानी ए डी बी डी के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो गए ना। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि ये तीन और तीन, मतलब दोनों की भुजा जो लंबाई है वो समान होनी चाहिए, तभी वो मध्य बिंदु होगा, यानी बीच से काट रहा है उसको, ठीक है। और हमको ये सिद्ध करना है कि ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो जब डी मध्य बिंदु है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों बराबर है इसका मतलब, तो इसका मतलब हुआ ए डी बराबर है बी डी के। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए डी अपॉन डी बी बराबर एक, क्योंकि दोनों बराबर है। अब जब वो उसके नीचे चलेगी तो इधर जीरो थोड़ी आएगा, वन आएगा ना, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को इंटू करते हैं, तो ये वापस क्रॉस गुणा हुई तो ये ए डी इंटू डी बी हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे नीचे लिख दिया इक्वल टू वन, ये लिख सकती हूँ मैं, तो ये मेरी इक्वेशन वन हो गई। अब सेकंड वाले ए बी सी लिया मैंने त्रिभुज, अब ए बी सी में देखो इसमें भी डी ई समांतर है बी सी के, बिल्कुल समांतर है, वही मैंने अनुपातिक प्रमेय से ए डी अपॉन डी बी, हाँ बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब ए ई अपॉन ई सी भी वन के बराबर है क्योंकि उसका भी अनुपात लिखा मैंने, तो जब अनुपात लिखा तो उसके बाद में मैंने ए ई ई सी के बराबर आ गया, ई सी ए ही है, ठीक है। तो यानी ए ई इक्वल टू ई सी, ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि देखो ये ए डी अपॉन डी बी इधर भी आ रहा है और ए डी अपॉन डी बी इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मान वन है, तो ए ई अपॉन ई सी भी वन हो गया। अब जब ये वन हो गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू वन, और ये जब इधर गया तो ए इक्वल टू ई सी हो गया, यानी वो दोनों बराबर हो गए। यही हमको ई जो इसका मिड पॉइंट है यही मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिक्स पॉइंट टू का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये उसका उल्टा पूछ लिया है, तो करें स्टार्ट, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसमें भी ए बी सी मैंने एक त्रिभुज लिया, डी और उसके मध्य बिंदु है, हमको ये प्रूव करना है कि इसके समांतर है। डी जो है वो मध्य बिंदु है ए बी का, और ई जो है वो मध्य बिंदु है ए सी का। अब ए डी इक्वल टू बी सी है और ए ई इक्वल टू ई सी है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो डी ई समांतर होगी बी सी के। तो मैं इसको डी जब मध्य बिंदु है तो ए डी अपॉन डी बी ये भी वन हो जाएगा, दोनों का रेशियो सेम वैसे ही निकाला कि ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, तो ये जब इसके नीचे आया तो ए डी अपॉन डी बी हो गया बराबर वन, इसको इक्वेशन वन कर दी। अब ई इसका मिड पॉइंट है ए सी का, यानी इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए ई इक्वल टू ए सी, तो इसका अनुपात भी एक हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात एक एक हो गया तो दोनों को बराबर रख सकती हूँ, इक्वल टू एक, तो बस ए डी बराबर डी बी
बराबर है ई अपॉन ई सी, और जब इस रेशियो में होते हैं तब वो आपस में प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से वो उसके समांतर होंगे, ये हमको पता है। देखो या तो आप समांतर हो तो आप रेशियो में लिख सकते हो, और रेशियो में लिखा है या बराबर रेशियो में तो आप उसको समांतर प्रूव कर सकते हो, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9th, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब ऐसे होते हैं ठीक है, उसमें ए बी समांतर है डी सी के ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसके विकर्ण आपस में काट रहे हैं ओ बिंदु पर, हमको दर्शाना है कि ओ ए अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ, मतलब वो प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो वो विकर्ण भी बराबर हैं, हमको ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हमने समलंब चतुर्भुज बना दिया, अब ए बी समांतर है डी सी के, ये हमको पता है, और ए सी और बी डी आपस में ओ बिंदु पर काट रहे हैं, ये गिवन है, दिया है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के, इसके लिए अब हमने, क्योंकि ये तो चतुर्भुज है, अब हमको इसके लिए एक त्रिभुज बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक ई पॉइंट ले लिया जो ए डी पर के बीच में है ई, ये मैंने इसको ओ से मिला दिया। तो अब देखो इसमें ई ओ मैंने किया पॉइंट ओ पे, तो ई ओ समांतर है डी सी के और ए बी के, अब ई ओ मैंने ऐसा खींचा है जो ए बी के भी समांतर है और डी सी के भी समांतर है, दोनों समांतर खींचे, तो अब त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी ये त्रिभुज लेना है। अब इसमें भी अनुपातिक प्रमेय लगाओ, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, मतलब उनका रेशियो बराबर होगा, तो बस यही किया मैंने, ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा ए अपॉन सी ओ के, लिख सकती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने दूसरा त्रिभुज लिया ए बी डी, अब देखो ए बी डी कहाँ है, ये ऊपर वाला, बस इसमें ये इसके समांतर है, तो इसका रेशियो भी मैं लिख सकती हूँ कि डी ई अपॉन ई ए बराबर है डी ओ अपॉन बी ओ के। अब देखो ये डी ई अपॉन ई है और ये ए ई अपॉन ई डी है तो उसका उल्टा ही, तो मैं इसका उल्टा कर सकती हूँ, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो इसको मैंने लिखा ए ई अपॉन ई डी, ई डी अपॉन ए डी, ए ई बराबर, तो सी ओ ई ओ भी उल्टा हो जाएगा ए ओ। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर प्रूव कर दिए, तो यानी इधर क्या आ गए, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ के, और हमको क्वेश्चन में है कि ए ओ अपॉन बी ओ, तो बस इस बी ओ को नीचे ले गई और इस सी ओ को ऊपर लेके चली गई, तो ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ और बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ, तो दर्शाइए कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो समलंब चतुर्भुज दे रखा था और हमको ये प्रूव करना था कि ए अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के, लेकिन इसमें हमको उल्टा दिया है, ए अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ, ये तो हमको दिया है, और हमको क्या दिखाना है कि ये समलंब चतुर्भुज है, तो करें, तो सबसे पहले हमने वही वाली चीज़ करी जो लास्ट पार्ट में करी थी। अब ए कोई रेखा खींची ई एफ जो ओ से मिलती है, तो ई एफ समांतर है ए बी के, तो यानी ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, और ये हमको गिवन है, तो ए ओ अपॉन सी ओ बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी के, इसमें हमको ए ओ अपॉन इस सी ओ को मैंने नीचे भेज दिया तो ये सी ओ हो गया, और यहाँ पे बी ओ अपॉन डी ओ हो गया, इसको मैंने इस साइड भेज दिया, तो बस अब मैंने लिया है डी ए बी ये वाला त्रिभुज, इसमें ये इसके समांतर है, तो अब हम सेम इसका रेशियो निकालेंगे, ई ओ समांतर है ए बी के, ये हमको गिवन है, तो डी ई अपॉन ई ए रेशियो डी ओ अपॉन बी ओ, तो अब देखो डी ई इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो उल्टा किया तो ए ई तो ऊपर आ गया और डी ई नीचे आ गया, तो ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन डी ओ, ये मेरी इक्वेशन टू हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड देखो आप, ये फर्स्ट है मेरी जिसमें दोनों विकर्ण का गुणा किया था मैंने बस, तो दोनों को बराबर पुट कर दिया, तो अगर बराबर किया तो इधर क्या आ गया ए अपॉन सी ओ और ए ई अपॉन ई डी बराबर है, तो यानी ओ ई समांतर है सी डी के, ठीक है। अब जब ये समांतर हो गई तो यानी ए बी ओ ई के भी समांतर है और ए बी सी डी के भी समांतर, इसका मतलब ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है,
ठीक है, तो आज हमारा ये एक्सरसाइज 6.2 फिनिश होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ और आगे 6.3 प्रश्नावली करेंगे। तब तक आपको पूरी प्रश्नावली, अभी तक हमने 6.1 और 6.2 करी है, उनके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी करनी है, तो अगले नेक्स्ट पार्ट में आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे का पार्ट पढ़ के आइएगा। ओके बच्चों।